मित्रों जय माता दी, कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आप सभी का कल्याण करेंगी। मित्रों वर्ष 2024 में आमलकी एकादशी कब है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब है, पूजा विधि क्या है, एकादशी तिथि कब शुरू होगी कब समाप्त होगी जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से शेयर करेंगे। मित्रों एकादशी पर्व का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत रखने से सैकड़ों तीर्थ दर्शन करने के समान पूर्ण फल प्राप्त होता है। आमलकी एकादशी प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मनाई जाती है और इस एकादशी तिथि को रंग भरी एकादशी, आंवला एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी, बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती अपने भक्तों के साथ होली खेलते हैं। इसी दिन से काशी में रंग भरी होली की शुरुआत की जाती है और आज के दिन भगवान विष्णु जी के साथ आंवले वृक्ष की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि आंवले की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मित्रों अब पूजा करने की विधि को भी जान लेते हैं जो इस प्रकार है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल पर धूप दीप जलाएं और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और उन्हें पीले फूल, पीले फल और तुलसी तल अर्पित करें। इसके बाद आंवले के वृक्ष को सींचकर उसकी पूजा करें। इसके बाद घर से एक पात्र में जल भरकर किसी भी शिव मंदिर में ले जाकर और भगवान शिव को जल अर्पित करें और उन्हें अबीर, गुलाल, चंदन, भस्म और बेल पत्र चढ़ाएं और अंत में व्रत कथा पढ़कर भगवान शिव जी की आरती करें। मित्रों अब आपको बता दें कि वर्ष 2024 में आमलकी एकादशी 20 मार्च को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 मार्च प्रातः काल 12:21 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 21 मार्च प्रातः काल 2:22 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त है प्रातः काल 6:25 से लेकर प्रातः काल 9:27 तक रहेगा।